आज हम जानते हैं भारत की करेंसी रुपये के बारे में कुछ दिलचस्प रहस्य। वीडियो को पूरा देखना वरना मजा नहीं आएगा। आज के समय में लग्जरी लाइफ और हर एक शौक पूरा कौन नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, मतलब करेंसी। इसलिए हम आज करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम भारत देश की करेंसी के रहस्यों के बारे में पता करेंगे। क्या आपको पता है भारत में करेंसी का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। इसकी शुरुआत एक राजा द्वारा की गई थी। अगर आपके पास आधे से भी ज़्यादा फटा हुआ नोट है तो आप बैंक में जाकर उसे बदला सकते हो। बात थे सन 1917 की, जब एक रुपया 13 डॉलर के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ, फिर एक रुपये को एक डॉलर के बराबर कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे भारत पर कर्ज बढ़ता गया और डॉलर की रेट बढ़ती गई। हर भारतीय नोट पर किसी न किसी चीज़ की फ़ोटो छपी रहती है, जैसे कि 20 रुपये के नोट पर अंडमान आइसलैंड की तस्वीर है, वही 10 रुपये के नोट पर हाथी, गेंडा और शेर छपा हुआ है, जबकि 100 रुपये के नोट पर पहाड़ और बादल की तस्वीर है। इसके रहस्य को हम अगले पार्ट में बताएंगे। भारतीय नोट पर उसकी कीमत 15 भाषाओं में लिखी जाती है और RBI के अनुसार भारत में हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापे जाते हैं। आप सभी के दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि हम अनगिनत नोट छापकर गरीबों में क्यों ना बांट दें और भारत की गरीबी क्यों ख़त्म ना कर दें। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी सरकार अधिक नोट छाप ले और गरीबों में भी बांट दे तो फिर हमारे रुपये की वैल्यू और गिर जाएगी। पहले तो वो डॉलर के मुकाबले 74% नीचे है। आपने हर एक सिक्के पर सन के नीचे एक निशान को बने हुए देखा होगा, तो आपके दिमाग में भी आया होगा कि निशान क्यों बना रखा। तो उस निशान को देखकर पता लगा सकते हो कि ये सिक्का कहाँ बना है। अगर हीरे का निशान है तो वो मुंबई में बना है, अगर डॉट का निशान है तो वो नोएडा में बना है, अगर स्टार का निशान बना हुआ है तो वो हैदराबाद में बना है, अगर कोई भी निशान नहीं बना है तो वो कोलकाता में बना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।